ओके सो आज का दिन सिंपल है। ओ ये क्या हो गया, गाड़ी का टायर हो गया है पंक्चर, क्या किया जाए। तो ये मैंने अभी अभी देखा कि गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया है। अब देखते हैं क्या सिस्टम है इसको। मेरे को लगता है कि गाड़ी तो नहीं जाएगी, मेरे को लगता है टायर ही निकाल के पूरा लेके जाना पड़ेगा पंक्चर के लिए, ठीक करवाने के लिए। चलो उसका भी सॉल्यूशन निकालते हैं। इतना वो डॉगी आराम से रोटी खाएगा। हमारी गली का बहुत अच्छा डॉगी है, हालांकि अनमोल को काट चुका है वो, बट वफादार है अगला, कोई दिक्कत नहीं है। अनमोल है काटने के लिए, सॉरी। तो मैंने अनमोल को बुला लिया है, वो मेरी थोड़ी थोड़ी सी हेल्प करेगा, बाकी देखते हैं। तो हम यहाँ पे कार की चाबी लेके आ चुका हूँ। एंड जो इसकी स्टेपनी होती है या फिर जो जैक होता है वो मेरे ख्याल से पीछे ही होता है, ठीक है। ओके ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो हम नीचे होती है ये एक्स्ट्रा टायर, तो ये रहा वो स्टेपनी कहाँ होती है, ये एक लीवर है और ये जैक है, इतना मुझे पता है। फाइनली हमें ये मिल चुका है। एक्चुअली ये नट खोलने के लिए होता है और ये रहा जैक जो इसको ऊपर उठाएगा कार को, ठीक है। तो वो करते हैं, ये पंचर हो गया तो इसको ना ठीक करा के लेके आते हैं। पंक्चर बोलते हैं कि पंचर बोलते हैं, इसे ये ही एक्सपेक्ट किया था मैंने। अब इसको कहाँ लगा के उठाऊं, ये रहा ये है तो इस पे लगेगा। किस पे? स्लांट डंडा सा जो पक्का। और यार इसी पे टायर टिका तेरा, समझा। मैंने पहले कभी नहीं कोई गाड़ी ऐसे उठाई ऊपर, पर फिर भी जनरल नॉलेज। ये माउस ट्रैप जैसा क्यों लग रहा है? कुछ भी। सो गाइस हमने फिगर आउट कर लिया है कैसे होएगा, फर्स्ट टाइम है, ठीक है। बहुत जोर लगता है। उठ गया है हवा में, घुमा के देख। ये नहीं घूमेगा बट हाँ ये उठ गया, हवा में उठ गया। हल्का सा और करते हैं। अब देख घुमा के, ये घूमेगा नहीं ना, वो गियर में रखी है। तुम न्यूट्रल करना उसको बट। अरे कोई दिक्कत नहीं है, बस हवा में उठ गया ना ये, देख। चलो ये गाइस हो गया, अब हम इस टायर को खोलेंगे। बूम हर चीज ब्लास्ट थोड़ी होगी। कैसे खुलेगा ये? यूं खुलता है। अरे इसको यहाँ लगा, एक बार लगा। अब इसके ऊपर चढ़ जा, खड़ा हो जा, और खड़ा हो जा इसके ऊपर। चलो हाथ में इतना वजन हो गया काम। कुछ भी ताकत बोल, ताकत वजन मास इनटू ग्रेविटी, दैट्स एमजी, समझा। ये तेरा वेट है, हमारे में तेरे बाप को मत सिखा, चल। अगर सोच ही फंस जाता है भाई दिक्कत हो जाती, कहीं ना होती। एक पे इसके साइज का पेस ढूंढते और हल्का सा घुमा के निकाल देते। स्पेशल गेस्ट ये तो अच्छी हो जाएगा अब। तो गाइस ये बंदा अब फ्रीज हो चुका है और इसके हैंड्स भी फ्री हो चुके हैं और ये फ्रीज हो चुका है और मैं इसके साथ चाहे जो मर्जी कर सकता हूँ। तो ये डंडा देख रहे हो, आई लगा भी नहीं है तेरे। चल अनफ्रीज, लेकिन हैंड्स तेरे अभी भी फ्री है, चल करके दिखा। मतलब गाइस मेरे हाथ नहीं है अभी, ठीक है, मैं हाथ तो यूज नहीं कर सकता। सो सारे पेंच हमने खोल दिए, अब बारी है टायर निकालने की।
निकल गया। तो हमने सारा कुछ निकाल दिया, उसको पंचर लगाने चलते हैं, ठीक है। तो गाइस हम यहाँ पे आ चुके हैं पंचर वाले की दुकान पे, ये देख सकते हैं आप। तो वो चेकिंग कर रहे हैं, पानी वगैरह डाल के चेक करेंगे, ठीक है। तो अभी हवा भर रहे हैं इसमें, भर गया, और वॉल्व भी चेंज हो गया। कितनी रखनी होती है हवा? 32 PSI ना। प्रेशर क्या फुल फॉर्म होती है? प्रेशर फुल PSI की फुल फॉर्म क्या होती है? प्रेशर के PSI की फुल फॉर्म क्या होती है? कहते हैं ना इतनी PSI हवा होनी चाहिए। प्रेशर 35। तो गाइज ये हो गया रेडी, सिर्फ मुश्किल से मुझे 6 मिनट लगे होंगे, ज़्यादा ज़्यादा 5 या 6 मिनट। तो उसने बना के दे दिया, अब इसको वापस से इंस्टॉल करेंगे। Reinstalling. Process. In 3, 2, 1. Process initiation. ये एरर साउंड थी जो तूने गलत टायर लगाने की कोशिश की अभी। तो गाइस इधर देखा, तो ये एक्चुअली ट्यूटोरियल ही था एक तरह से कि हाउ टू चेंज अ टायर अगर पंचर लग जाए तो। अब तू यही टाइटल रखने वाला है ना? हाँ, व्लॉग तो ऐसे ही था, बट तो एक काम कर, व्लॉग को सबको भाड़ में घेर और ये ट्यूटोरियल डाल दे सीधा। क्या से क्या हो गया बेवफा। पापा ने मुझे कार साफ करने का काम दिया है और हम कार साफ कर रहे हैं, ठीक है। देखो पता है क्या, कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान गिरा हुआ है, उसको सक कर लेंगे हम जैसे अनमोल। सॉरी, सो हेलो गाइस, तो आपको पता ही है कि मेरी थोड़ी बहुत ड्राइंग अच्छी है, तारीफ नहीं करो, सच्ची में थोड़ी सी अच्छी है, ठीक है। तो मैंने अभी वैसे मैं मन कर रहा था कुछ बनाने का, तो इसके हाथ पे ना मैंने टैटू बनाया छोटे से, इसके लड़के के हाथ पे, कभी दिखाता हूँ आपको। सो गाइस आप देख सकते हैं कि इस ये मैंने इसके हाथ पे बनाया है, ठीक है। और इसके हाथ पे ये आप देखो यार कैसा बनाया, मेरे ख्याल बहुत अच्छे बनाया मैंने, बाकी आप देख लो। सो गाइज अभी मोमोज बनाने की तैयारी चल रही है, आप देख सकते हैं इसमें मैंने सारा सारा क्रेडिट मैं ले लेता हूँ गलती से, सॉरी। मम्मी ने सारी सब्जियाँ ये करके कर दी हैं, ये सारा प्रोडक्ट पड़े हैं, ठीक है। हमने सबसे पहले बंद गोभी को कद्दूकस किया, फिर गाजर को किया, और फिर इसमें मिर्च वगैरह डाल दी, और फिर इसमें स्प्रिंग ऑनियन और लहसुन को किया, ठीक है। और इसमें हम ये सोया सॉस भी पड़ेगी और मैदा, और बाकी देखते रहो, ठीक है। तो गाइस अभी हम क्या करेंगे कि कढ़ाई में थोड़ा सा तेल गरम करेंगे, ठीक है, वो देखना। तो गाइस अभी हम मैदे को गूंदेंगे, मम्मी ये करने वाले हैं, ठीक है। मैदा गूंदने के बाद मिलते हैं। मैदा गूंद के रेडी है, मम्मी ने गूंद दिया, अब हम क्या करेंगे इतना मैदे की बना देते हैं थोड़ा सा। सो गाइस जितना तेल गर्म होता है, तो जैसे तेल गर्म होगा हम क्या करेंगे, हम ये जो ये प्याज का और लहसुन है इसको हम इसमें डाल देंगे, अभी नहीं डालेंगे, थोड़ा तेल गर्म होने दो फिर डालेंगे, ठीक है। और फिर चम्मच से घुमाएंगे उसको। सो गाइस तेल गर्म हो चुका है, जैसे आप देख सकते हैं धुआं उठ रहा है ऊपर, ठीक है। अब हम ये डालेंगे, सबसे खतरनाक पार्ट है जो ये, मैं डाल रहा हूँ तो ये डेयरिंग काम मम्मी करेंगी। ओ बड़े प्यार से हो गया, मैं तो वही पागल हूँ। मम्मी का यार 20-30 साल का एक्सपीरियंस, 30 तो नहीं ज्यादा नहीं, 18-20 साल का एक्सपीरियंस मेरा होगा, एक दिन का एक्सपीरियंस मुश्किल से कुकिंग का। तो मम्मी तो अच्छे होंगे ही भाई कुकिंग में।
नहीं उससे पहले भी आती थी, ज्यादा बढ़िया वाला एक्सपीरियंस तो नहीं, पहले भी बनता था। मैंने क्या बताया, हम एग्जॉस्ट फैन चला देंगे भाई ताकि धुआं बाहर निकल जाए। हमने एक्चुअली सब्जियों को ज़्यादा वो नहीं करना है, क्या बोलते हैं उसको, पकाना, तड़का नहीं मारना है, बस हल्का सा ये है कि सोटे करना है, हल्का सा थोड़ा सा अगर हम देखा जाए तो। अब हम डाल देंगे ये, ठीक है, अब हम ये सारा डाल देंगे। सो गाइज ये थोड़ा अब इसको पकते पकते 5 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम डालेंगे थोड़ी सी सोया सॉस, 1 चम्मच डालना है बस, मैं अंदाजे से डाल रहा हूँ, थोड़ी ज़्यादा डाल भी लगता है मैंने, बट कोई बात नहीं, चलता है, इतना तो चलता है ब्रो। अरे सही में ज़्यादा डाल दी, नहीं चलता है ब्रो, मैंने कम से कम 3 चम्मच डाल दी होगी शायद, चल कोई बात नहीं, वैसे गाइस खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, अगर आप यहाँ होते आपको मज़े आ जाते हैं सूंघ के। गाइस तो अब ये ठंडा हो चुका है, मैंने इसको काफ़ी देर, मतलब इस पूरे मसाले को बस 20-30 मिनट मैंने इसको पंखे के नीचे रखा था, तो अब हम इसकी छोटी छोटी बॉल्स बनाएंगे और फिर उसको करेंगे, ठीक है। तो गाइस देखिए मैंने 8 ये बना, मतलब ये लोइयाँ बना के रख दी हैं, अब हम इसको क्या करेंगे, इसको एक लोई को लेंगे और बेल लेंगे इसको, ठीक है, छोटी सी को, फिर इसकी ना पतली पतली शीट बनानी है हमें चारों की। तो गाइस ऐसे से देखो पतली शीट बनानी है हमने, ठीक है, बहुत ज़्यादा पतली शीट है, जैसे आप देख सकते हैं। तो अब हम इसमें ना स्टफिंग भरेंगे इसमें, ये देख लिया हमने इसमें स्टफिंग रख ली है, अब इसको हम बनाएंगे। अब वो मेथड दिखाने के लिए मेरे पास कैमरामैन कोई है नहीं, तो आप अगर ऐसे देख सको तो देख लेना यार, ठीक है, देख लो कैसे बनता है, कुछ नहीं करना है, बस इसको यूँ करना है, इसको जोड़ना है आपस में, ठीक है, इसको ऐसे ऐसे करके ना, अब आपको देखो यार ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ये देखो एक मोमो तुम्हारा बन के रेडी, बस ये काम करना था और कुछ भी नहीं करना है, ये बन के रेडी, इसको रख दो साइड में, बन गया, ऐसे बना लेने हैं। अब जब सारे बन जाएंगे ना फिर मिलता हूँ आपसे, ठीक है। तो गाइस ये देखिए बन के रेडी, ये चटनी मैं बाहर से ही ले आया था और ये मैंने बन के रेडी है, इसमें मैंने थोड़ी मेयोनीज घेर दी है गार्निशिंग के लिए, ठीक है, और मम्मी थोड़ा सा ये बना रहे हैं, और डालो इसमें मेयोनीज, ओके रुको रुको मैं डाल रहा हूँ। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं शादी हो रही है, हम वैसे घूमने आए हैं, हम इनवाइटेड नहीं है, और इसका प्लान था घूमने का, है भाई मेरा प्लान नहीं था, मैं तो गली में आना चाह रहा था फिर देखने, ठीक है। देख रहा था किसने बुलाया, हेलो, इसको तो यहाँ पे भरपूर मिल रहा होगा खाने को,